तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी के नोट 9 को। हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग उसे खोल लेते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं हैंड्स ऑन करने वाले हैं हम इसका। और यहाँ पे चलते हैं हम सबसे पहले सेटिंग की ओर, देखते हैं कुछ इसकी सेटिंग्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बहुत सारी आप लोग को सेटिंग देखने मिल जाती है, तो यार बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको सब अबाउट फोन में चलते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको सैमसंग नोट 9, गैलेक्सी नोट 9। और यहाँ पे हम चलते हैं, बैक करते हैं, और मेरे हिसाब से सेटिंग बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी हम दिखा देता हूँ मैं आपको, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है आपको उसमें, मतलब इसमें आप लोग को 8.1 एंड्रॉइड मिल जाता है, स्टॉक नहीं, इसमें आप लोगों को सैमसंग की यूआई मिलता है देखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 8.1 मिल जाता है। तो यार मेरे हिसाब से जो डिज़ाइन है फोन का वो बहुत ही अच्छा लगा। पीछे आप देखोगे आप लोगों को डुअल रियर कैमरा देखने मिलने वाले हैं, जो 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा मतलब कैमरा है इसका। अभी मैं आप लोग को थोड़ा जो ब्राइटनेस है उसे कम कर लेते हैं, बिकॉज दोस्तों ब्राइटनेस वरना आप लोग को दिखेगा नहीं। इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेटिंग की ओर वापस जाता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी मैं कैमरा में जाता हूँ तो कुछ आप लोग को कैमरा दिखा देता हूँ। भाई क्या कैमरा है यार इसका, मतलब यार क्या मिल जाए तो मतलब वीडियो ऐसा बनेगा कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मोड मिलते हैं, लाइव फोकस मोड जो है यहाँ पे आप लोग को देखने मिलने वाला है। जैसे कि मेरा हाथ देख रहे हो, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कैमरा बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है ये। और यहाँ पे आप जितना कम चाहना चाहते हो कर सकते हो, तक ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, और बहुत सारे आप लोगों को बोर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ, आप ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि आप लोगों को इतना दिख जाएगा। और वापस चलते हैं कैमरा की ओर, और यहाँ पे देखेंगे हम शूटिंग कर रहे हैं, और आपका अरमान यहाँ पे शूटिंग कर रहा है, मेरा भाई मेरे साथ शूटिंग कर रहा है, तो वो बना रहा है और मैं देखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर जाते हैं और भाई यहाँ पे थोड़ा कम करो है ब्राइटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं, और मेरे हिसाब से अच्छा मोबाइल है यार, बहुत ही इस प्राइस के अंदर। मैं अभी और आगे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग में आप लोग क्या क्या मिल जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है। और रैम के बारे में बात करते हैं, रैम स्टोरेज आप लोग कितना देखने मिल जाता है, तो यार देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को जो स्टोरेज है वो 107 GB फ्री मिल गया। और रैम के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे मेमोरी आप देखोगे आप लोग को 2.8 GB का अवेलेबल स्टोरेज मिला है, तो मेरे सब बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे इंटरनल में आप देख सकते हो 128 GB वाला वेरियंट है, उसमें आप लोग को कुछ इतना मिला है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं इसका जो मतलब जो बैग देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मैं अभी भी आपको बोलूँगा। 6.4 इंच का स्क्रीन है और बहुत ही चल लेते हैं दोस्तों कुछ जाते हैं इसके वापस सेटिंग की ओर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और कुछ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लॉक स्क्रीन में कुछ लॉक करते हैं, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसा इसका जो फेस अनलॉक है और सब दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं फेस अनलॉक मिलता है आप लोग को, आयरिस स्कैनर मिलता है, तो मेरे सब बहुत ही अच्छी बात है। और यार मतलब अच्छा है, क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे इंटेलिजेंट स्कैन भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप पैटर्न लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो और पासवर्ड लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे पासवर्ड डाल लिया है, तो यहाँ पे पासवर्ड 2111 करते हैं, नहीं हो रहा, चलो अपन जाते हैं वापस, पैटर्न रखते हैं ऐसे सिंपल सिंपल पैटर्न रखता हूँ मैं। कंटिन्यू कंफर्म पे क्लिक करिए, लोडिंग में टाइम लग रहा है, डन पे क्लिक करिए, एंड अब जाते हैं भाई इसमें वापस पैटर्न डाल देते हैं। और यहाँ पर आपको फेस अनलॉक पर क्लिक कर देना है, ठीक है, फेस ओके पर दबा दीजिए, और यहाँ पर बता दीजिए कि चश्मा पहनते हैं हम, ठीक है, यस पे क्लिक करें। और ये मैं आ गया भाई, आपका भाई आ गया, 80% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो चश्मा 90% हो गया रजिस्टर, ठीक है। तो यार यहाँ पे देख लो, अभी हम इसको लॉक करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाई देख रहा हूँ मैं, थोड़ा कैमरा में थोड़ा वो हो रहा है, मगर मैं आप लोग अभी ये देख सकते हैं आप, इसको खोलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है वैसे, थोड़ा खोलेंगे फिर देखेंगे, अभी फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए खोला, अब मेरा मुंह देखा एकदम झट से हो गया, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फेस अनलॉक है इसका, लॉक बहुत अच्छे से खोल रहा है मेरा, तो फेस अनलॉक इसका बहुत ही बढ़िया है। बात में वापस करते हैं इसमें कैमरा में बारे में कुछ, तो ये सकते हैं मेरा भाई शूटिंग कर रहा है और मैं आप लोगों को कुछ बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए सेटिंग में जाते हैं क्योंकि कैमरा वैमरा तो चलता रहता है, अभी थोड़ी सेटिंग में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि सुपर स्लो मोड भी आप लोग को देखने मिलता है इस मोबाइल में, और आप लोग को बहुत सारे मोड देखने मिलते हैं क्योंकि यार अब इतना महंगा प्राइस ले रहे हैं तो भाई मोड तो देंगे ना, ये भी बात है। तो मेरे सबसे बहुत ही सारे मोड आपको कैमरा में देखने मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके, यार दोस्तों बैक में देख सकते हैं आप, इसमें डुअल कैमरा आप लोग को देखने मिलता है और फ्रंट में भी आप लोग को अच्छा कैमरा देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ऐसा नहीं है, तो यार अभी दबाता हूँ और देखेंगे। फेस अनलॉक में मतलब कोशिश ही नहीं हो रही, बस अपने आप ही खुल जा रहा है फ़ोन, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपन जाते हैं नोटिफिकेशन में, आप देखोगे यहाँ पे आपको सब में नोटिफिकेशन चाहते हो करो, वरना जिनमें नहीं चाहते तो आप नहीं कभी जा सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब उसके कुछ बैटरी के बारे में। हाँ दोस्तों अभी चलते हैं अपन सेटिंग की ओर, यहाँ पे तो सेटिंग में देखते हैं इसके बैटरी के बारे में। चलिए अबाउट फोन में चलते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कि देखेंगे ऊपर कुछ आया है, नोट अपन बंद करते हैं। अब आप चलते हैं अबाउट फोन में, यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं अपन,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 mAh की बैटरी आप लोग को देखने मिल जाती है। तो मतलब मेरे हिसाब से इस बार 4000 mAh की बैटरी दी है, वरना पिछले बार तो वो भी नहीं दी थी। तो मेरे हिसाब से 4000 mAh बैटरी दे दी, अच्छी बात है। तो यार क्योंकि पिछले बार बहुत ही कम दी थी, जैसे देखेंगे कैमरा हम खोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बैटरी दी गई है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ इस नोट 9 के बारे में। बहुत ही अच्छा फ़ोन है और सबसे प्यारा तो मुझे दोस्तों इसका लगा डिस्प्ले, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। और फेस अनलॉक खुल जाए, देख लीजिए कितना अच्छा रिस्पॉन्सिव फिंग इसका। अब चलते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं, तो क्योंकि देखिए डिस्प्ले देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। और अब इसके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कैसी लगता है। तो देख सकते हैं आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं ब्राइटनेस जो है वो कम ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ दिखने नहीं वाला है। ब्राइटनेस मतलब बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इसका, तो आई थिंक डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, वर्थ करता है और इस प्राइस में बहुत ही अच्छा है। तो बताइए जरूर कमेंट करके कि मुझे आप लोग आज का वीडियो कैसे लगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ बात कर लेता हूँ मैं आपसे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए नोट 9 की हैंड्स ऑन कर पाया हूँ और आप लोग के प्यार की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब देखते हैं अभी आप कैसा वीडियो पर लाइक करते हो, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, बस मुझे मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाएगी आपके लाइक से। और मैं बात कर रहा था भाई जो मैं नोट 9 की मुझे कैसे मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद क्वेश्चन पूछने वाले कि आपको कैसे अनबॉक्सिंग के लिए मिल गया। वैसे अनबॉक्सिंग नहीं की थी मैंने, हैंडसोन की थी। तो आप सैमसंग की गैलरी में कहीं भी जाएंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आपको ऐसे वो दे देंगे। पहले तो मैं मेरे वो जान पहचान के थे प्रकाश ब्रदर्स, जैसे आपको कुछ भी खरीदना है तो मैं, मेरे पास उनका कार्ड तो नहीं है बस, मगर ये है मेरे पास उनका, तो आप देख सकते हो प्रकाश ब्रदर्स जबलपुर में रहते हो तो प्रकाश ब्रदर्स से आप ले सकते हो, जो उनका स्मार्ट प्लाजा है। तो ये करमचंद चौक में है और इसका नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप ये नंबर। तो यहाँ पे आप जो चाहे वहाँ से लिख सकते हैं और टेक्नोलॉन बोल देना, देखते हैं कुछ आपको मिल जाएगा डिस्काउंट तो अलग बात है। मगर मेरे हिसाब से उन्होंने मेरे से बहुत अच्छी से बात की और मुझे अनबॉक्सिंग के लिए दे दिया, तो उनके लिए वेरी थैंक्स। वो कोई भी वीडियो देख रहा होगा उनका तो। और अब मैं बात कर लेता हूँ यार, जो फ़ोन था मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ मेरे, आपने तो वीडियो तो देख ही लिया है। और मैं बात कर लेता हूँ इसके कुछ प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन है जो कल आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा। तो भाई ये जो नोट 9 है, ये आप लोग को जो 128 GB वाला वेरियंट है वो आप लोग को मिलता है 67,900 rupees की प्राइस में, जिसमें नो कॉस्ट EMI भी आती है। तो नो कॉस्ट EMI में बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो आई थिंक आप लोग को भी ले लेना चाहिए नो कॉस्ट EMI में। तो जो जिनके पास कैश है पड़ा है तो भाई दे दो, वैसे कुछ नहीं है, मगर बहुत सारे ऑफर आप लोग मिलते हैं वहाँ पे भी, आप लोगों को बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं जो उन्होंने मुझे बताए थे। तो आप लोग को 5000 रुपये की गियर स्पोर्ट मिलेगी, जो उनके वॉच होती है वो 23,000 की है, मगर आप लोग को सिर्फ मिलेगी 23,000 की है, तो आपको सिर्फ 5000 में मिलने वाली है। और नो कॉस्ट EMI में भी दोस्तों आप लोग ये मिलने वाला है, वहाँ पे भी आप जाएँ तो दे सकते हैं, आपको डाउन पेमेंट भी दे नहीं सकते और नो कॉस्ट EMI भी। नो कॉस्ट EMI मैं बता देता हूँ क्या होता है, उसमें आप लोग एक डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ती, एक इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जो EMI की जो किस्त बनती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं उसको इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो ही आपको सिर्फ देना पड़ेगा। तो मेरे सबसे ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वेरियंट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यही वेरियंट खरीदने वाले जो 67,500 rupees वाला वेरिएंट है। और एक और वेरिएंट है जो 512 GB वाला रैम वेरिएंट है, वो भाई 84-85 तक जाता है, 84,900 इसका प्राइस, बट 85 ही समझ लो। और मेरे हिसाब से जो फोन है ये वाला बहुत ही अच्छा है, और मगर 512 GB पता नहीं इंडिया में बहुत कम लेंगे, बिकॉज उनके इतने यूज नहीं होते हमारे इंडिया वालों के। तो मेरे हिसाब से ठीक है ये भी फोन। तो मेरी कुछ यही ओपिनियन थी इस फोन के हिसाब से, इस जो 67,000 वाला फोन है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जो 85 थोड़ा वो ओवर प्राइज हो गया है, बिकॉज दोस्तों जो उसका फ्रंट कैमरा मुझे इतना पसंद नहीं आया, फ्रंट कैमरा जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, मगर 8 MP नहीं, कम से कम 20 MP आप कर सकते थे, प्राइस भी हम बहुत दे रहे हैं और एक्सोनस का 9810 को तो आपको प्रोसेसर मिल ही जाता है। तो बस दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, मैंने सोचा आप लोग को एक अपनी लास्ट में एक अपना बता दूँ, कुछ बात कर लेते हैं। और वो वीडियो बताओ मुझे जरूर बताओ कमेंट करके कैसे लगा वीडियो, आपका रिस्पांस मुझे इस वीडियो में चाहिए। ऐसे ही फ्यूचर में मैं आप लोग के लिए ऐसे ही जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन कोई भी फोन आए करेगा तो मैं उसकी पूरी हर जगह कोशिश किया करूँगा आप लोग को अनबॉक्सिंग एक हैंड्स ऑन तो दे दूँ। तो इसलिए बस एक लाइक बनता है इस अनबॉक्सिंग के, हम टारगेट रख देते हैं 100 लाइक का। 100 लाइक कर दो भाई, चलो प्लीज़ 100 लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी एक अनबॉक्सिंग के ऊपर है, जल्दी से देख लेना। तो बस दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।